बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपके लिए मैं बहुत खूबसूरत पैटर्न लेके आई हूँ जिसमें मैं हुक इस्तेमाल करूँगी वो 2.5 mm की होगी और जो मैं वूल इस्तेमाल करूँगी वो 3-ply की होगी। आपको पता है कि मैं 3-ply की वूल इस्तेमाल करती हूँ, मेरे पैटर्न में 3-ply की वूल इस्तेमाल होती है। आइए तो न्यू पैटर्न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिंग बनाऊंगी, ये देखिए। ये देखिए रिंग तैयार हो गई है। 1 chain पहले से मौजूद होती है, 2, 3 chain। यहाँ पे सिंगल क्रोशे से बनाऊंगी, सिंगल क्रोशे लगाऊंगी 24 सिंगल क्रोशे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सारा हाफ क्रोशे बनेगा। बीच में मैंने 2 double crochet लगा दिए थे इसलिए मैंने उधेड़ दिया है और दोबारा से मैं ये लगा रही हूँ। काउंटिंग करके जोड़ना सिखाऊंगी आपको। ये देखिए 23 मैंने लगाए हैं हाफ क्रोशे। अब देखिए ये जो चेन बनाई थी इसके टॉप पे जोड़ रही हूँ। ये देखिए हमारे पास 24 हाफ क्रोशे बन गए हैं। अब 3 chain बनाऊंगी, 3 chain हर गैप में लगाऊंगी। ये राउंड इसी तरह बनेगा, इसमें कोई चेन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये देखिए ये राउंड पूरा करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए 23 double crochet, यहाँ 1, 2, 3 chain जो बनाई थी इसकी टॉप पे जोड़ दिया। ये देखिए ये हमारे पास 24 double crochet तैयार हो गए हैं। 24 ही नीचे भी लगाए थे मैंने। अब 3 chain बनाऊंगी, 1, 2, 3 chain इसी गैप में दोबारा से लगाऊंगी। ये देखिए ऐसे वन टू थ्री हो गए, ये हो गई 4। इसी गैप में दोबारा लगा रही हूँ, ये 6 हो गए हैं। ये देखिए जितनी जगह कवर हुई है वो तो 4 की हुई है लेकिन ये क्रोशे जो हैं वो हो गए हैं 6। 1, 2, 3, 4 यहाँ काउंटिंग 4 की होगी। ये 1, 6 गए हैं क्योंकि 1 यहाँ से बढ़ गया है, 1 यहाँ से बढ़ गया है। सिंगल चेन बनाऊंगी, दोबारा से यहीं शुरू करूंगी। ये देखिए जो फर्स्ट वाला गैप है उसमें मैं लगाती हूँ 2 double crochet और बाकी मैं सिंगल लगाती हूँ 2
ये देखिए, जब थ्री लगता है थ्री के साथ वन डबल हो जाता है, ये देखिए। इसी तरह पूरा राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए नाज़रीन, हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। साइडों पे हमने डबल क्रोश लगाया है, सेंटर में सिंगल, और अब यहाँ पे हम पूरा कर चुके हैं। वन टू थ्री, थ्री चेन के टॉप पे लगा के यहाँ पे जोड़ रही हूँ, राउंड को फिनिश कर रही हूँ। ये देखिए राउंड हमारा फिनिश हो गया है। यहाँ पे फिर थ्री चेन बनेंगी, थ्री चेन के बाद इसी गैप में दोबारा लगाऊंगी। ये देखिए, ये जो एंड पे है इस गैप में टू हो जाएंगे, ये देखिए। और यहाँ पे बता दूँ टू चेन लगेंगी। सेकंड राउंड पैटर्न का सेकंड राउंड टू चेन, फर्स्ट राउंड में वन चेन लगी थी, ये देखिए इसी तरह बनेगा। आपको समझा देती हूँ कि इसके तीन से चार राउंड जो हैं वो रिपीट हैं, सिर्फ यहाँ की चेनें बढ़ेंगी, साइड से इसी तरह वन वन बढ़ता जाएगा, इसलिए मैं तीन से चार राउंड आपको लगा के दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ से साइड से वन वन बढ़ रहा है, यहाँ से भी बढ़ रहा है, और यहाँ पे वन चेन है, यहाँ पे टू हो गई है। जैसे जैसे चेनें बढ़ती जाएंगी मैं आपको तीन चार राउंड के बाद सारा समझा दूँगी। टोटल यहाँ से लेके तीन से चार राउंड जो हैं वो रिपीट हैं। मिलती हूँ आपसे तीन चार राउंड के बाद। ये देखिए नाज़रीन, हमारा राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ये थ्री राउंड रिपीट थे, यहाँ पे टू चेन टू चेन टू चेन, यहाँ पे थ्री चेन बनाई हैं। ये देखिए यहाँ पे थ्री चेन के साथ यहाँ जोड़ दिया है, यहाँ पे फिर इसी गैप में लगाएंगे थ्री चेन के साथ डबल क्रोशे, फिर इससे आगे सिंगल लगाएंगे, टू थ्री फोर। ये देखिए वन टू थ्री फोर, यहाँ ये फोर लगे हैं, वन बढ़ गया है, ये हो गए हैं फाइव। यहाँ पे फाइव चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव चेन, वन टू थ्री फोर यहाँ पे लगाऊंगी। थ्री लगाने के बाद ये देखिए यहाँ पे ये डबल लगाया, फाइव हो गए। ये देखिए वन टू फाइव डबल क्रोशे इस साइड पे, फाइव डबल क्रोशे इस साइड पे, यहाँ पे थ्री चेन बनाऊंगी, फिर यहाँ इस गैप में आ जाएंगे, ये टू बनेंगे, टोटल फोर लगाते हैं। ये देखिए वन टू थ्री फोर, यहाँ एक बढ़ गया, फाइव हो गए, यहाँ पे फाइव चेन, टू थ्री फोर फाइव चेन, वन टू थ्री फोर यहाँ पे लगा दिया। ये देखिए इसी तरह पूरा राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए नाज़रीन, हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। फाइव डबल क्रोशे थ्री चेन फाइव चेन, यहाँ पे भी थ्री चेन बनाऊंगी, इसी गैप में लगाऊंगी क्योंकि ये साइड से बढ़ता रहेगा।
ये देखिए, ये पैटर्न साइड से बढ़ता रहेगा। यहाँ पे वन माइनस करेंगे, फाइव चेन बनाऊंगी, टू थ्री फोर फाइव चेन, फाइव चेन के बाद इसके सेंटर में लगाऊंगी। ये देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव चेन, फाइव चेन के बाद वन क्रोशे छोड़ दूंगी, टू पे लगाऊंगी। इसी तरह साइड से बढ़ेंगे। ये देखिए, यहाँ पे थ्री चेन मेंटेन रहेंगे। ये देखिए, ये फाइव ही जाएंगे, यहाँ पे जाली बन रही है। इसी तरह पूरा राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया था। ये वाला राउंड मैंने स्टार्ट कर दिया, यहाँ तक आ गई हूँ इसको बना के। यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि ये थ्री राउंड जो हैं थ्री थ्री चेन के थे, यहाँ पे मैंने फाइव चेन लगाई हैं। बाकी ये बिल्कुल सेम कंडीशन से बन रहा है, साइडों से बढ़ रहा है और इस साइड से कम हो रहा है। यहाँ भी ऐसे ही जाएगा। ये देखिए, हमने वन स्किप कर दिया है, फाइव चेन बनाऊँगी, फोर फाइव चेन। पहले हम सेंटर में लगाते थे, अब हम वन चेन छोड़ के लगाएंगे। ये देखिए ऐसे, फिर यहाँ पे फाइव चेन बनाऊंगी, थ्री फोर फाइव, फाइव चेन के बाद देखिए वन चेन स्किप की, टू में लगा दिया, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। ये देखिए, वन क्रोशे स्किप करके यहाँ पे टू पे लगाया है। ये देखिए, ये इसी तरह फाइव बनेंगे, साइड से एक बढ़ जाएगा, थ्री सिंगल लगेंगे, साइड पे टू हो जाएंगे, ये टोटल फाइव हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ तक, इसी तरह सारा राउंड मैंने पूरा किया है। अब मैं यहाँ पे आपको फाइव चेन बना के बताती हूँ। ये देखिए, टू थ्री फोर फाइव चेन, थ्री चेन बनाई थी तो इसके साथ थ्री पे इसको अटैच कर दूँगी। ये देखिए, यहाँ मैंने जोड़ दिया है, यहाँ पे हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। ये देखिए पैटर्न खूबसूरत हालत में आ रहा है, खूबसूरत शक्ल दे रहा है। अभी हम यहाँ से स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ तक टू स्लिप स्टिच लगाएंगे। ये देखिए, वन टू, ये देखिए वन टू थ्री, थ्री स्लिप स्टिच लगाने के बाद यहाँ से हम चेन्स बनाएंगे, वन टू थ्री चेन, थ्री चेन के बाद हम ट्रिपल क्रोश लगाएंगे यहाँ पे, वन टू एंड थ्री। ये देखिए, ट्रिपल क्रोशे के साथ यहाँ पे एट ट्रिपल क्रोशे लगाऊंगी टू चेन के साथ, वन टू चेन, चेक करूंगी। यहाँ से इसकी उठान अच्छी लगी तो फिर यहाँ थ्री चेन ही रखूंगी, नहीं तो यहाँ पे फोर या फाइव चेन कर दूंगी। अभी इसको पूरा बना के देखती हूँ, वन टू, टू चेन के साथ ट्रिपल क्रोश लगा रही हूँ। ये देखिए, वन टू चेन, वन टू चेन, ये एट लगाएंगे हम, ये हो गए वन टू थ्री फोर फाइव, ये हो गया सिक्स, ये सेवन,
ऐड कर देती हूँ। अगर ज़्यादा लगा तो इसको माइनस कर दूँगी। ये देखिए 1, 2, 3 चेन के साथ 1 स्किप करेंगे क्रोशे को, 2 में लगाएंगे। ये देखिए यहाँ हाफ क्रोशे के साथ जोड़ दिया है। अब मैं इसको चेक करूँगी आया ये सही लग रहा है कि नहीं। नहीं, बिल्कुल ठीक लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी कोई खिंचाव नहीं आ रहा, हमारा सही बनेगा पैटर्न। ये देखिए यहाँ पे भी सही बन रहा है, यहाँ पे भी सही बना। इसी तरह राउंड पूरा करके दिखाती हूँ। ये जो 5 चेन है इसी तरह 8 डबल क्रोशे इसमें लगेंगे, 3 चेन के साथ लगाती हूँ। टोटल यही राउंड बनेगा। आपको राउंड पूरा करके दिखाती हूँ मैं। ये देखिए नाज़रीन, ये हमारा ट्रिपल क्रोशे वाला राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे 3 चेन लगा के मैंने यहाँ जोड़ दिया है। अब हम यहाँ पे हाफ क्रोशे लगाएंगे, 2 हाफ क्रोशे लगाऊंगी। ये देखिए इस गैप में चली जाऊंगी ऐसे 1, 2, 3 3 चेन के बाद यहाँ हाफ क्रोशे से जोड़ूंगी। ये देखिए 1, 2, 3 इस तरह ये लेस बनती जाएगी 3 चेन के साथ लेस बनाती हूँ। ये देखिए नेक्स्ट गैप में चली गई 1, 2, 3 ये देखिए नेक्स्ट गैप 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ये देखिए यहाँ पे हमने हाफ लगाया। यहाँ 1 चेन बना के यहाँ सामने चले जाएंगे। ये देखिए ये हमने सारी लेस बना के दिखाई आपको। यहाँ 1 चेन के साथ यहाँ आ गई हूँ। ये देखिए नेक्स्ट गैप में चली जाऊंगी। ये देखिए 1, 2, 3 चेन, 3 चेन के साथ यहाँ पे फिर लेस बनना शुरू हो गई है। ये देखिए 3 चेन, ये देखिए ये फाइनल राउंड है। ये मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए नाज़रीन हमारा फाइनल राउंड, सारी लेस बन गई है। यहाँ पे मैंने फिनिश किया है इसको। ये देखिए यहाँ पे जोड़ दिया है 1 चेन बना के। ये देखिए यहाँ पे जुड़ा है। अब इसको मैं धागा बाद में कट कर लूँगी। आपको दिखाना था कि यहाँ फाइनल फिनिश हुआ डिज़ाइन। ये देखिए बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बना है। आप भी बनाइए। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दुआओं में याद रखें। आपका और मेरा साथ यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट पैटर्न के साथ, खूबसूरत पैटर्न के साथ फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।